हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग देखते हैं तीव्र ज्वर की स्थिति में आहार आयोजन। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। यदि एक व्यक्ति का शारीरिक तापमान सामान्य सामान्य कितना होता है तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, तो एक शारीरिक तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है तो उसे ज्वर कहते हैं। क्या है कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर अगर थर्मामीटर में टेम्परेचर जाता है तब हम उसे ज्वर की स्थिति कहते हैं, जिसे हम लोग फीवर बुखार भी बोल सकते हैं। कहते हैं इसमें चयापचय संबंधी क्रियाएं बढ़ जाती है या शरीर द्वारा उत्पादित तथा निष्कासित ताप के असंतुलन का परिणाम होता है। ज्वर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। ये जो ज्वर है या बुखार जिसे हम लोग कहते हैं, फीवर कहते हैं, ये अपने आप में बीमारी नहीं है, किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, बल्कि किसी विशेष रोग के लक्षण को ये दर्शाता है। अगर शरीर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम या किसी रोग के लक्षण आने शुरू होते हैं तो सबसे पहले यह इंडिकेट करता है ज्वर के मुख्य कारण संक्रामक रोग अथवा कुपोषण ही होते हैं। तो आइए देखते हैं ज्वर के प्रकार। तो सबसे पहला है अल्पकालीन ज्वर। अल्पकालीन मतलब क्या होता है, थोड़े समय के लिए है ना। तो इस प्रकार का ज्वर कम समय के लिए परंतु तेज होता है, बहुत कम समय के लिए आता है लेकिन बहुत तेज, जैसे 103-104 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फीवर चला जाता है। तो और इसके कुछ लक्षण जैसे साधारण सर्दी, खांसी, गलसोद, इन्फ्लुएंजा, खसरा, निमोनिया इत्यादि रोगों के लक्षण इसमें, रोग आने के लक्षण इसमें प्रकट होने लगते हैं बुखार के माध्यम से, फीवर के माध्यम से। और दीर्घकालीन ज्वर जो है, इस प्रकार का ज्वर लंबे समय तक का होता है और तापमान अधिक नहीं होता है, जैसे क्षय रोग है ना, जिसको हम लोग टीबी भी बोलते हैं। तो ये लंबी बीमारी होती है और इस रोग में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाता है लेकिन कंटिन्यू फीवर रहता है। और अंतरकालीन ज्वर, तीसरा जो ज्वर का प्रकार है वो अंतरकालीन ज्वर है। यह ज्वर अंतराल पर चढ़ता है, जैसे मलेरिया, टाइफाइड इत्यादि। टाइफाइड में है कि एक इसकी अवधि होती है कितने दिनों के लिए, इतने दिनों के लिए। तो और फिर क्या है, समय पर चढ़ता है, बुखार चढ़ता है, जैसे किसी किसी व्यक्ति को दिन में 12 बजे के बाद या किन्हीं व्यक्ति को शाम के समय। इस तरह से जो बुखार चढ़ने की, फीवर चढ़ने की जो अवधि होती है वो सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है। फिर हम लोग देखते हैं ज्वर में पोषण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इस स्थिति में कुछ पोषण से संबंधित परिवर्तन भी होते हैं, जैसे कि पहला है ज्वर की अवस्था में ताप बढ़ने से शारीरिक चयापचय दर बढ़ जाती है, अतः प्रति डिग्री फ़ारेनहाइट ताप को वृद्धि, ताप की वृद्धि पर ऊर्जा की मांग 7% बढ़ जाती है, 7% बढ़ जाती है ऊर्जा की मांग। फिर शरीर में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहती है, ज्वर में यह मात्रा क्रमशः घटती चली जाती है। फिर है ज्वर में उत्कों की क्षति के कारण प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। फीवर होने से क्या होता है, सारे शरीर के अंदर जो उतक की या कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति होती है, टूट फूट होती है, तो उसमें प्रोटीन की मांग जो है वो बढ़ जाती है। ज्वर के कारण अत्यधिक पसीना व मलमूत्र होने के कारण रोगी के शरीर में पानी व खनिज लवणों की मात्रा में भी बहुत कमी हो जाती है। क्या है, जब हम लोग हायर एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हैं तो वैसे क्या होता है, उसमें क्या होता है कि कुछ देर बाद शरीर से बहुत अधिक मात्रा में पसीने निकलने शुरू हो जाते हैं, तो वैसी स्थिति में जल का निष्कासन शरीर से होने लगता है। फिर है तीव्र ज्वर से पाचन क्रिया अव्यवस्थित हो जाती है, जिसके कारण भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व पूर्ण मात्रा में शरीर को नहीं मिल पाते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि ज्वर में पोषण को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक थे, उनकी जानकारियाँ हम लोगों ने प्राप्त की। अब देखते हैं पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता, ज्वर में किन किन पौष्टिक तत्वों की ज़रूरतें बढ़ जाती है।
ज्वर की अवस्था में पौष्टिक तत्वों की मांग ज्वर की प्रकृति, तीव्रता और अवधि पर निर्भर करती है। साधारणतः भोजन से निम्नलिखित तत्वों की मांगें पूरी होनी चाहिए, जैसे पहला है ऊर्जा। ज्वर के कारण रोगी की कैलोरी की आवश्यकता 50% अधिक बढ़ जाती है, कई बार इससे भी अधिक हो जाती है। यह मात्रा शरीर में तंतुओं की टूट फूट व तापमान पर निर्भर करती है, और फिर है कई बार इससे भी अधिक हो जाती है और अधिक तापमान के समय शारीरिक ऊर्जा का पूरा होना मुश्किल हो जाता है। परंतु जैसे ही व्यक्ति कुछ खाने की स्थिति में आता है, उसे उच्च कैलोरी युक्त तरल पदार्थ जैसे फलों का रस, ग्लूकोज, शहद आदि दिए जाने चाहिए। इस स्थिति में फीवर की स्थिति में तो या ज्वर की स्थिति में तो हम लोग इतना नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी कंट्रोल में आता है, थोड़ा भी कम होता है, तो फिर उसे उच्च कैलोरी युक्त आहार की मात्रा को बढ़ाकर देना चाहिए। फिर है कार्बोज। कार्बोज की आवश्यकता पूरी करने के लिए और शरीर में ग्लाइकोजन संग्रह को फिर से पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में कार्बोज दिए जाने चाहिए। इसके लिए आहार में ग्लूकोज, शहद, चीनी आदि का प्रयोग किए जाने चाहिए। तीव्र ज्वर की अवस्था में ग्लूकोज सबसे उत्तम रहता है। ऐसे भी कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी शरीर को ग्लूकोज देता है, तो ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देनी चाहिए। फिर है वसा। ज्वर की अवस्था में तले हुए अधिक वसा युक्त खाद्य पदार्थ रोगी को बिल्कुल नहीं देना है, परंतु ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पचनशील सरल वसा जैसे मक्खन, क्रीम आदि दिए जा सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फीवर अगर नहीं है तब वैसी स्थिति में। फिर है प्रोटीन। शरीर के तंतुओं की टूट फूट के कारण ज्वर में प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। दीर्घकालीन ज्वरों में अल्पकालीन ज्वरों की अपेक्षा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्या लंबे समय का जो ज्वर है, जिसमें हम लोगों ने देखा दीर्घकालीन में जो टीवी वैसे में टीवी जैसी बीमारियां होती है, तो उसकी अपेक्षा जो कम समय के लिए है अल्पकालीन ज्वर, उसमें प्रोटीन की मात्रा की आवश्यकता अधिक होती है। इनकी क्षतिपूर्ति के लिए 100 ग्राम या इससे अधिक प्रोटीन की मात्रा दी जानी चाहिए। उसके बाद है खनिज लवण। खनिज लवण है, ज्वर की अवस्था में जल निष्कासन के कारण शरीर में सोडियम व पोटेशियम लवणों का काफी मात्रा में ह्रास होता है, विशेषकर तीव्र ज्वर में। रोगी को सूप, जूस या सब्जियों आदि में नमक मिलाकर देने से सोडियम की पूर्ति की जा सकती है। ऐसे भी थोड़ा सा जूस को हल्का सा सुसुम करके और उसमें हल्का नमक या काला नमक डालने से टेस्ट में भी परिवर्तन आता है और रोगी के शरीर में सोडियम की मात्रा को भी ये पूरा करता है। फलों का रस, सब्जियों का सूप, ये सब जो है पोटेशियम की और सोडियम के पूर्ति के अच्छे साधन भी माने जाते हैं। फिर है विटामिन। चयापचय क्रियाओं में वृद्धि हो जाती है और दवाइयों के कारण शरीर में विटामिनों का उत्पादन कम हो जाता है, इसलिए विटामिन ए, स्कॉर्बिक अम्ल या बी समूह के विटामिन अधिक मात्रा में ऐसी स्थिति में देना चाहिए। स्कॉर्बिक अम्ल देने से रोग निरोधक क्षमता भी बढ़ जाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। और फिर है तरल पदार्थ। ज्वर के रोगी को 2.5 से 5 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से तरल पदार्थ मिलने चाहिए। ये किन किन माध्यमों से मिलने चाहिए, जैसे एक तो जल हो गया, पानी, सूप, फलों के रस, शरबत, चाय, कॉफ़ी, दूध आदि के रूप में ये रोगी को देना चाहिए। सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में अधिक तरल पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा ज्वर की स्थिति में आहार आयोजन। तो एक ज्वर से ग्रसित व्यक्ति को किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और उनको हम किस किस किन किन माध्यमों से दे सकते हैं, इनकी चर्चा की। तो
तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।